नमस्कार, मैं हूँ शशि तुषार शर्मा। भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि की विशेष वस्तुओं का प्रयोग करके कैसे शनि संबंधी बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है, अब हम जानना चाहेंगे सरसों के तेल के बारे में। बहुत जिक्र हम सुनते हैं शनि के लिए विशेष उपायों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? सरसों का तेल शशि शनि को चढ़ाया भी जाता है, उसके लिए दीपक भी जलाते हैं सरसों के तेल का, छायादान भी होता है और सरसों के तेल का अलग से दान भी किया जाता है। तो सरसों के तेल का भी शनि से संबंध है, इसका प्रयोग क्या है? देखिए, शनि देव के लिए सरसों के तेल का दान करना और प्रयोग करना काफी अनुकूल परिणाम देता है। अगर आप सरसों के तेल का दान करें, शनि आपका बहुत निगेटिव हो और आप किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करें या शनि से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या हो और आप सरसों के तेल का प्रयोग करें तो इसके परिणाम अनुकूल होंगे। अगर शनि की वजह से जीवन में चीजें रुक गई हों और जीवन में कोई सफलता मिल नहीं पा रही हो तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। शनिवार को प्रातः लोहे की एक कटोरी ले लें या मिट्टी का एक दीपक ले लें, उसमें सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें, इसके बाद तेल में अपना चेहरा देखें और ये तेल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या इस तेल को पीपल के नीचे रख आएं। इसको छाया दान करना कहते हैं। जब शनि की वजह से जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा हो, जीवन में बर्बादी की विनाश की स्थिति बन गई हो, तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार को छाया दान करना चाहिए। और अगर आप सामान्यतः शनि की कृपा पाना चाहते हैं, सामान्यतः आप चाहते हैं कि शनि आपके लिए अनुकूल बने रहें, तो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल उड़ेल करके नष्ट करते हैं, ऐसा मत करिए। शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल उड़ेलने के बजाय आप सरसों का तेल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, बहुत ही अच्छा होगा। और सरसों के तेल का एक दीपक अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को जलाएं तो सामान्यतः इससे आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। और जैसा आपको पहले बताया कि अगर शनि बहुत ज्यादा कष्टकारी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन छाया दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। लंबे समय तक आप छाया दान करें, आपको लाभ अवश्य होगा। तो चलिए फिर से हम बात करेंगे शनि महाराज की, और हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे उपायों की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। हमने लोहे के छल्ले की बात की है, हमने सरसों के तेल की बात की है, एक और चीज़ का जिक्र जो हमेशा हम सुनते हैं जो शनि से जुड़ा हुआ है, काले तिल और काली उड़द, इसका कैसे विशेष तौर पर प्रयोग किया जा सकता है? शनि के जब आहार की बात आती है शशि, कि शनि के लिए कौन सा आहार दान करें या कौन सा आहार खाएं, तो काले तिल हैं, काली उड़द की दाल है और कहीं कहीं पर काले चने का भी लोग प्रयोग करते हैं शनि के लिए। अब काली उड़द की दाल और काला तिल शनि से कैसे जुड़े हुए हैं? शनि की वजह से अगर आपको धन की समस्याएं हो रही हैं, धन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो काली उड़द की दाल या काले तिल आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। अगर शनि की वजह से धन संबंधी कोई भी बाधा है
तो काली उड़द की दाल या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करेंगे? शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या 1.25 किलो काला तिल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। बेहतर होगा 1.25 किलो काली उड़द की दाल आप कम से कम 5 शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। अगर आप 1.25 किलो नहीं खरीद सकते, 1 मुट्ठी काली उड़द की दाल ले लें और इसको 5 शनिवार को आप दान करेंगे। दान करने के साथ ही आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन 5 शनिवार पूरा करिएगा, बीच में गैप मत करिएगा। अब जिस शनिवार को आप काली उड़द की दाल का दान करेंगे या काला तिल दान करेंगे, उस दिन स्वयं इसे मत खाइएगा। लेकिन काली उड़द की दाल के बारे में 2 बातें और जान लें। जो लोग शनि के लिए व्रत रखते हैं, जो लोग शनि के लिए उपवास रखते हैं, उन्हें भोजन में काली उड़द की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए शनिवार की शाम को। और दूसरा, अगर आपका बहुत सारा पैसा कहीं फंस गया है तो आप काली उड़द की दाल पका करके हर शनिवार को दान करिए, आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।